बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी की सांसदीय जाने और अडानी मामले पर सोमवार को विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर सांसद पहुंची। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। यह देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सांसदों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पहली बार सत्ता पक्ष सांसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम पित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेएसपीसी की मांग पर कायम रहेगा। खड़गे ने कहा कि हम काले कपड़ों में क्यों आए हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं को खत्म किया, इसके बाद जहां जहां जिसने चुनाव जीता उसे डरा धमका कर पीएम ने अपनी सरकार बनवाई। जो लोग उनके आगे नहीं झुके उन्हें झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया। क्यों आए? कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सांसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी। इसमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इसे लेकर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर राहुल गांधी के सांसद से डिस्क्वालिफिकेशन पर पार्टी के नेताओं के साथ सत्याग्रह किया, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टैटलर भी शामिल हुए। फिलहाल सदन में भाजपा राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं हिंडनबर्ग अडानी मामले पर कांग्रेस की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग बरकरार है। बता दें कि बजट सत्र का दूसरा फेज 13 मार्च से शुरू हुआ था और यह 6 अप्रैल तक चलना प्रस्तावित है। फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नवभारत टुडे। नमस्कार।